बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स भी क्या करें, और जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। इस हवाले से आपको जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो पूछा ज़रूर करें। वीडियो देखने से पहले अहम दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस को भी लाइक करें और कमेंट्स करें। वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खे पर अमल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी का अच्छा सोचना करना भी सवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को सुना करें, आप लोग सिर्फ देखते हैं इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आती। सुनने से आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, लिहाजा सुनने के बाद जो समझ ना आए मुझसे पूछा करें। पूछने से आपकी भी जो होगी वो गलतियाँ दूर हो जाए करेंगी। तो मैं अपने अब टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक्स। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेज पर खाना खाते हुए इसका पूरा ध्यान प्लेटों में था। मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी थी। मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, काफ़ी हिम्मत जताने के बाद पला आखिर मुँह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। इसकी निगाहें चाहे मेज़ पर मरकूज थी, पर इनमें से उठता दर्द में बाखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी जबान पर ताला सा लग गया। जो मेरे दिमाग में चल रहा था इसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आँखें झुक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स इसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार ना किया, बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। मेरा रवैया गिरा गुजरा, हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पे फेंक के वो चिल्लाने लगी और ये कह के वहाँ से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि इसके लिए जानना ज़रूरी है, आखिर हमारी शादी को हुआ ही किया। मेरे पास इसको देने के लिए तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसे बताना था कि मेरे दिल में इसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब इसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे इस पर तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब जो फैसला कर चुका था इस पर डटे रहना ज़रूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने इसकी एक कापी से थमाई, जिस पर लिखा था कि वो तलाक के बाद गाड़ी और मेरे दादी कारोबार की 30% मालकन बन सकती है। इसने एक नज़र कागजात पर दौड़ाई और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बताए थे वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि इसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पर ज़ाया किए, पर मैं भी क्या करता, मेरे दिल में कोई इस हद तक घर कर चुका था कि इसे खोने का तसव्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। भला आखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। शायद यही वो चीज़ थी जो इसके बाद तलाक के बाद मैंने देखना चाहता था। अगले रोज पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिताकर जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज़ पर कागज़ फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ थी। मैंने इस पर कुछ ध्यान ना दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। देर रात जब मेरी आँख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा इसने तलाक के कुछ शराइत मेरे सामने रख दिए। इसे मेरी दौलत जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए था, बस वो एक महीना मजीद मेरे साथ रहना चाहती थी। इस एक महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इसकी शर्त बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था जिसे कुछ ही दिनों में इम्तहान होने वाले थे। वालदेन की तलाक का इसकी तालीम पर बुरा असर ना पड़े इसलिए मैंने शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था।
इसकी शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था। इसकी दूसरी अहम खाना शर्त यह थी कि मैं हर सुबह से अपनी बाहों में उठा के घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसे जैसे शादी के इब्तदाई दिनों में करता था। वो जब काम पे बाहर जाने लगती तो मैं खुद इसे अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं इसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में इसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त मान ली। और इन शराइत के बारे में जब मैं अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वह हंस कर बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक ना एक दिन तलाक तो इसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुतल्लिक किसी और से जिक्र ना किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे उससे उठा के दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे उठाया तो इसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है, हा हा हा, हमारा बेटा खुशी से झूम रहा था। इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक डर सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी थी। प्लीज इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाब में सर हिलाया। इसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा, वो बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह से उठाना मेरे लिए कदरे आसान था और इसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। इसने अपना सर मेरी छाती से लगा लिया। एक ऐसे बात इसके जिस्म की वो खुशबू मेरे हवास से टकराई। मैं बगौर इसका जायजा लेने लगा। चेहरे की घेरी झुर्रियां और सर के बालों में उतरी चांदी इस बात की गवाह थी कि इसने शादी में बहुत कुछ खोया। चार दिन मजीद गुजरे। जब मैंने इसे बाहों में भर के सीने से लगाया तो हमारे बीच की वो कुर्बत जो कहीं खो सी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वो जज्बात बढ़ते गए। लम्हे दिनों को पर लगाकर उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया और इस आखिरी सुबह में जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो बेड पे कपड़े फैलाए परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास इसके नहीं जिस्म पर खुले होने लगे थे। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी कमजोर हो गई है, शायद इसलिए मैं इसे आसानी से उठा लेता था। इसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देख के ना चाहते हुए भी इसके पास चला आया और इसके कंधे पर हाथ रखा। पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। इसके ख्याल में इस पल ये ज़रूरी था कि मैं किसी तरह इसकी माँ का दिल बहलाऊँ। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और इसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमज़ोर ना कर दे ये सोचकर मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने इसे अपनी बाहों में उठाया और इसने अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए। मैंने इसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार मैंने इसे ऐसे ही उठाकर अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही हर रोज इसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा। मेरे कदम फर्श से शायद जम से गए थे, इसीलिए मैं बामुश्किल दरवाजे तक पहुंचा और इसे नीचे उतारते हुए मैंने इसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं इसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ मेरे दिल कर रहा था, कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, अपना फैसला बदल ना दूं। मैंने इस घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाई जहाँ नई मंजिल मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले अल्फाज इसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और माथे पर हाथ रख के बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, शायद हमारी शादी शुदा जिंदगी बेरंग हो गई है, पर मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। बस इतना हुआ, हम वो चीज़ भूल गए जो इसके साथ के लिए ज़रूरी थी। देर से ही सही सब मुझे याद आ गया और साथ निभाने का वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने इससे किया था। नए हर बंधन को तोड़ के बाद मैंने पुराने बंधन को दोबारा जोड़ने के लिए वापस लौटा। मेरे हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था जिसमें मौजूद पर्ची पे लिखा था, मैं हर रोज ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ने आऊँगा, सिर्फ मौत ही मुझे ऐसा करने से रोक सकती है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब इस चंद लम्हों की दूरी पर था तभी जिंदगी की दौड़ इसके हाथों से सिरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। ना इसने कभी अपनी तकलीफ का मुझसे जिक्र किया, ना ही मसरूफ जिंदगी ने मुझे इसे पूछने का मौका दिया। जब इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वो जानती थी कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है,
कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मौत से कबल तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में नफरत का बीज बो दे। इसलिए बीते एक महीने में इसने अपने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शोहर का मेरा रूप नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं था पर दायमी ज़रूर बन गया। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने के बजाय इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज़्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पर फैसला ना कर सकें और इस ताखिर में हाथ हमेशा के लिए खाली रह जाएं। तो देर मत कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरी ये वीडियो आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ जो अपनी बीवी की कदर नहीं करते, ताकि दूसरों को भी पता चल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।